देखा भैया, हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हम लोग एक से लेके एनसीईआरटी पूरा एक से लेके 1.2 मतलब लगभग कितना क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन ना, 24 या 25 न्यूमेरिकल थे। सारे न्यूमेरिकल एक एक करके लगाए हैं, और इसमें अगर तुम लोग ना लगा पाओ, ना समझ पाओ, और अभी भी टाइम है कि अगर किसी को कोई चैप्टर में से अगर कोई भी हेडिंग ना समझ में आया हो, ठीक है, या कोई न्यूमेरिकल ना समझ में आया हो, तो वो बाद में पूछ सकता है या अभी भी पूछ सकता है, ठीक। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट क्या करेंगे कि इसके हम लोग समरी देख लेते हैं, ठीक है। अब समरी देखने का मतलब क्या है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने कहाँ तक याद है, हम लोगों को कहाँ तक याद है, या हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पूरे चैप्टर का समरी, और पहला चैप्टर हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक। चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ लिखाएं समझाएंगे नहीं कुछ, हम बताएंगे क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले ये पढ़ा, यहाँ पे पहली चीज़ क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, क्या होता है चार्ज। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा कि चार्ज की क्या होती है प्रॉपर्टी, क्या होती है चार्ज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा है। अच्छा बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या क्या पढ़ा है, जैसे लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद ये सब पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीसरा नंबर पे हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा है कूलाम्स लॉ पढ़ा है। क्या होता है कूलाम्स लॉ, उस कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ कूलाम्स लॉ हम एक्सप्लेन करने आएंगे नहीं, क्योंकि हम एक्सप्लेन करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जब एक्सप्लेन करना था तो हमने कर दिया था, ठीक है। एक समरी का मतलब, समरी वीडियो तैयार करने का मतलब ये है कि आप लोग देखो क्या क्या पढ़ा है, कूलाम्स लॉ पढ़ा है। उसके बाद चौथा हमने पढ़ा है कि कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है चौथा, एक पढ़ा सुपर पोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्ज, ठीक है, मल्टीपल चार्ज का सुपरपोजिशन हमने पढ़ा हुआ है, कई सारे चार्ज थे उस कई सारे चार्ज में हमने क्या किया है, सुपरपोजिशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, और उसमें अगला, उसके बाद हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद सात नंबर पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, क्या होता है। उसके बाद आठ नंबर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की क्या पढ़ी है, प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रॉपर्टीज। ये सब समरी पूरा चैप्टर का याद होना चाहिए सभी को, एक एक लोग को, ठीक है। जब तुम लोग कहीं भी जाओ या कुछ भी करो या पढ़ो या कुछ भी करो, तो कम से कम ये रहे कि तुमने पढ़ा क्या है, ये सारी चीज़ें समरी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसमें से कुछ छूटा है, हैं? अगर तुमसे कोई कुछ पूछेगा तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, हो जाएगा ठीक, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ये भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब इसमें हम लोग क्या कपड़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसी में हम लोग नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा ये बताओ, कूलाम्स लॉ जो था वो F इक्वल टू क्या था, के Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या था, R स्क्वायर था, K जो था कूलाम्स कांस्टेंट था, K इक्वल टू क्या था, 1/4πε0 था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या निकल के आया था, R स्क्वायर ऊपर कर दोगे, क्यों अपान आर स्क्वायर, ये सब क्लियर है ना, हाँ ठीक। उसके बाद ये हो गया था यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पे, जो आपके किताब में है कि नहीं है, शायद बुक में है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ये भी हमने करवा दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे भी हमने करवा दिया था, सरफेस पे करवा दिया, आउटर रीजन पे हमने करवा दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आगे हम लोग देखते हैं 9-10 नंबर पे हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, और उसके बाद 11 नंबर पे हम लोग इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता? P इक्वल टू 2QL। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, यही सब करोगे, वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, ठीक है? क्योंकि P क्या है? मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अब देखो, हाँ, इस पर जो सबसे मेन मेन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोग एक ये पढ़े थे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो कंडीशन पढ़ा था, एट एक्सियल पोजिशन, एट एक्सियल पोजिशन, एट एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पोजिशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? E इक्वल टू कितना आया था? हाँ, कितना आया था? 2 PK अपॉन एक्स क्यूब, या इसी को लिखेंगे 2P। क्या लिखा था? 2P, या ऐसे लिख लो 1/4πε0 2P अपॉन कितना? एक्स क्यूब। क्या? एक्स क्यूब। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल से ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्जियल पोजिशन पर हो गया। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एट इक्वेटोरियल पोजिशन, एट इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजिशन। तो इक्वेटोरियल पोजिशन पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ई इक्वल टू क्या पढ़ा था? PK/XQ। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 PY कितना? XQ। तो ये सब क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? फटाफट ऐसे समरी में तुम लोगों को आ जाना चाहिए जो है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टॉर्क ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, टॉर्क, ठीक है। 13 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? टॉर्क टॉर्क ड्यू टू डाइपोल डाइपोल मोमेंट। अब टॉर्क ड्यू टू डाइपोल मोमेंट में हमने क्या पढ़ा था? टाउ इक्वल टू क्या पढ़ा था? टाउ इक्वल टू P sin थीटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? टाउ इक्वल टू क्या पढ़ा था? PE sin थीटा, या टाउ इक्वल टू क्या होगा? PE sin थीटा को, अगर थीटा क्या है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तो साइन थीटा का वैल्यू 90 और 90 साइन 90 वैल्यू होना, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE जीरो नहीं, जब एक दूसरे के पैरेलल होगा तब जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोगों ने फिर गॉस थ्योरम पढ़ा था। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टी वगैरह भी पढ़ी थी, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत नहीं, वो पूरा देखा था। उसके बाद अप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आ गया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। 15 नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़े थे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। क्या पढ़ा था पहला एप्लीकेशन? पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा था? हाँ, एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्म सरफेस। क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सरफेस, ठीक है। यूनिफॉर्म सरफेस का तुम लोगों को पता है क्या निकला था? यूनिफॉर्म सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, हाँ, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। हम सरफेस पे पढ़े थे, इससे कई सारे पॉइंट हमने आउटर सरफेस पे पढ़ा था, इनर सरफेस पे पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग पहले ऐसा देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ठीक है, एट सरफेस पे, ठीक है, या कह सकते हैं यूनिफॉर्म सरफेस पे पढ़ा था, यूनिफॉर्म सरफेस पे। तो यूनिफॉर्म सरफेस पे एक तो एक सरफेस पे था, एक आउटर रीजन पे था, एक इनर रीजन पे था, तो तीन तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इनर रीजन पे क्या आया था? जीरो आया था। सरफेस पे आया था ई इक्वल टू कितना आया था? 1/4πε0 Q/r² आया था, ठीक है। तो ये सब सारा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इसके क्वेश्चन भी हम लोग लगाए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा था? लीनियर चार्ज डिस्ट्री
डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एल इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1/2 πε0 लेमडा बाई आर या डी, ठीक है, लेमडा बाई आर या लेमडा बाई डी, यही तो पढ़ा था, और अभी इसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन सीड, प्लेन सीड भी पढ़ लिया था। तो तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लेन सीड ड्यू टू प्लेन सीड, ड्यू टू प्लेन सीड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आया था, E इक्वल टू कितना आया था, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट, समझ में है कि नहीं है। प्लेन सीड की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा इक्वल टू क्या था, क्यू बाई एल, नहीं ए, ए क्यू बाई ए, इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या था, क्यू बाई ए था, और इसका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या था, क्यू बाई एल था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी, ठीक है। जितना एनर्जी हो सकती थी, जितना मेहनत हो सकता था, जितनी एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर किया, और 99.99% जो है हमारा सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो गए, बंद कर दिया, ठीक है। तो सारे हमारे कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट बचता है, या अगर कोई भी क्वेश्चन 1 से 1.25 तक अगर किसी एक क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो वो आके जो है ऑफिस में पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर है सबका। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये है, जब तक उसके पहले सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ो, जितने भी उसके क्या हैं थ्योरीज हैं थ्योरीज पढ़ो, थ्योरी के बाद अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के बाद उसका डेरिवेशन जो भी कुछ होता है वो सब पढ़ना है, पहले उसको समझना है। जब तक तुम्हें उसके डेरिवेशन ये सब सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तब तक आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। और अगर आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगाए तो इसका मतलब आपने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं, समझ में आया कि नहीं है। एक एक न्यूमेरिकल क्यों लगवाया है एनसीईआरटी का, इसलिए लगवाया है कि अगर आपने न्यूमेरिकल लगाए तो इसका मतलब आपने फिजिक्स कुछ ना कुछ समझा, कुछ ना कुछ पढ़ा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को क्या करना है, हमें फिर से एक बार रिपीट करना है, और रिपीट करने के बाद हम लोग मिलते हैं, सैटरडे को टेस्ट है तो सैटरडे को देखते हैं, ठीक है। आज भी आज क्या है, थर्सडे, कल फ्राइडे है, तो दूसरा चैप्टर भी हम लोग शुरू कर दिए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कल कोशिश करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह पढ़ा दिया है, वीडियो अपलोड नहीं है, अपलोड है लेकिन अभी पब्लिक नहीं किया गया है, ठीक है। तो पब्लिक करेंगे उसको थोड़ा लेट में, क्योंकि अब जब सभी लोग और आ जाएंगे, ठीक, लेकिन वैसे हम उसको कर देंगे, तुम लोगों को तो भेज देंगे लिस्ट करके, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।